अस्सलाम वालेकुम जी, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन आप कैसे मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, स्पेशली आप अपना स्टोर कैसे बना सकते हैं बिल्कुल फ्री, और आप कैसे चीज़ें सेल कर सकते हैं। थोड़ा सा पार्ट हम समझेंगे ड्रॉप शिपिंग का भी इस वीडियो के अंदर। पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर हर शख्स तो टेक्निकल नहीं होता, हर किसी को प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग या मुख्तलिफ जो भी शोबे हैं ऑनलाइन काम करने के लिए, हर शख्स के पास तो ये चीज़ें नहीं होती, ना हर शख्स इतना स्किलफुल होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सर्वाइवल के लिए स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ख्वातीन कर सकती हैं, ऐसे लोग कर सकते हैं जिनकी एज ज़्यादा है, जो ज़्यादा टाइम ऑनलाइन बैठ नहीं सकते, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप आहिस्ता आहिस्ता से काफ़ी ज़्यादा काम कर भी सकते हैं और काफ़ी पैसे भी कमा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, बहुत ही कम लोगों को पता है कि ऑनलाइन कितने ज़्यादा कारोबार हैं, ऑनलाइन कितनी ज़्यादा जॉब्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं कोई भी शख्स कर सकता है। ज़्यादातर हमें जो बताया जाता है या हमें जो पता है वो है, या तो आप एज अ फ्रीलांसर टेक्निकल पर्सन होकर काम कर सकते हैं, या आप एज अ डिज़ाइनर काम कर सकते हैं, कहीं पर जॉब कर सकते हैं, या फिर आप एज अ यूट्यूबर, जो कि आज का एक नया ट्रेंड है, आप अपनी वीडियोस बनाएं और आपको ट्रैवल करें, वीलॉग्स बनाएं अपने, और मुख्तलिफ तरीके से उनकी एडिटिंग करके उन्हें पब्लिश करें, व्यूअरशिप आएगी, आपके एड्स वगैरह उस पर शो होंगे और वहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा हमें पता ही नहीं है कि मार्केट के अंदर कितना कुछ है। मैंने पिछले दिनों एक रिसर्च की थी और उसमें मुझे पता चला था 400 से ज़्यादा प्रोफेशंस हैं जिससे आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। बाय प्रोफेशन आई डोंट मीन के बहुत ही टेक्निकल चीज़, बहुत सारे आसान चीज़ें भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ रिव्यू देने का, फॉर एग्ज़ाम्पल बुकिंग की वेबसाइट्स हैं, होटल्स की वेबसाइट्स हैं, आपकी ऐप स्टोर हैं, जो चाहे वो गूगल की हैं या चाहे iOS की हैं, वहाँ पर जो ऐप्स हैं उनके ऊपर रिव्यूज़ देना, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर रिव्यूज़ देना, फूड है उसके ऊपर रिव्यू देना, ऑटो जो गाड़ियां हैं उनकी साइट्स के ऊपर जो रिव्यूज़ का बॉक्स होता है वहाँ पे जाके रिव्यू देना, सिर्फ एक जेन्युइन आईडी से रिव्यू देने से भी आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। बट इसके लिए ज़ाहिर है आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर आप जाकर के काम करें। इसमें फाइवर है, fiverr.com एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है जहाँ पर आप ना कि सिर्फ एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं बल्कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको कोई भी काम आता है, किसी भी तरह का। मैंने 2012 में जब फर्स्ट टाइम फाइवर को देखा था तो मैं हैरान हो गया था देख के। वहाँ पर एक शख्स ने अपना ये जो सर्विस पोस्ट की हुई थी उसने लिखा हुआ था कि मैं किसी को भी फ़ोन करके हैप्पी बर्थडे पूरा ट्यून के साथ सुना सकता हूँ और इसके लिए मैं $5 चार्ज करूँगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी के लिए सिर्फ कुछ पढ़ देना, कुछ बोल देना, किसी को विश कर देना, लोग ये सर्विस भी सेल करते हैं। अगर आप fiverr.com पर जाएं और वहाँ पे जाके आप सर्च करें, सिर्फ प्रे लिखें, पढ़ना मतलब दुआ करना किसी के लिए, तो लोग इसके लिए भी चार्ज कर रहे हैं। तो ऑनलाइन जो पूरी दुनिया है आप जानते हैं ये सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए नहीं है, बहुत सारे लोग जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, जो किसी भी और शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ये लगता है कि ऑनलाइन फील्ड सिर्फ उन लोगों के लिए जो डेवलपर्स हैं या जो टेक्निकल लोग हैं। आज ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसी मकसद के लिए बना रहा हूँ कि आपको आइडिया हो कि ऑनलाइन बहुत कुछ है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट है उसका नाम है माइक्रो जॉब्स, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करें और फिर डेली का वो आपको टास्क देते हैं, आप अपने मोबाइल के थ्रू आपने सिर्फ इमेजेस बनानी होती है, आपके इर्द गिर्द ग्रीनरी होगी, उनको घरों की तस्वीरें चाहिए, गाड़ियों की तस्वीरें चाहिए, जो वो रिक्वायरमेंट आपको देंगे आपने उनकी सिर्फ तस्वीरें बनानी है एक अच्छे एंगल में और अपने मोबाइल ऐप के थ्रू आपने वो पोस्ट कर देनी है। और बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया ड्रॉप शिपिंग के बारे में, आप लोग जानते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे ऑयलेक्स है, लुकेंटो है, हफीज सेंटर की एक साइट है, इसी तरह से और भी बहुत सारी क्लासीफाइड वेबसाइट जिन्हें कहा जाता है, और हर कंट्री स्पेसिफाइड क्लासीफाइड वेबसाइट्स होती हैं। इंडिया के अंदर देखो.com है और इसी तरह से और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि क्लासीफाइड्स मींस कि आप कुछ भी बेचना चाहते हैं या कुछ खरीदना चाहते हैं डायरेक्ट एंड टू एंड इंडिविजुअल से, कोई B2B नहीं होगा, कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई एजेंट नहीं होगा, आपने किसी से कुछ भी बेचना है वो बेचना है तो आप बेच सकते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे मैं ऑयलेक्स की बात कर रहा हूँ। तो
OLX पे ना सिर्फ आप अपने घर की चीज़ें बेच सकते हैं, बल्कि आप मार्केट से बहुत सारी चीज़ें, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोडक्ट है जो कि बन रहा है और आपको नज़र आता है कोई कोई हैंडमेड स्टफ है, कोई भी चीज़ है, आप उसकी तस्वीरें बनाएं, आप OLX पे लगाएं, लुकांडो पे लगाएं, आप जितनी भी क्लासिफाइड वेबसाइट्स, आप सिर्फ गूगल पे लिखें क्लासिफाइड वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, आपको बेइंतहा, boli.com है उनमें से, तो वहाँ पर जाके आप फ्री में अपना एड लगा दें। अब ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आप स्टोर करें, आप उसको बाय करें, या वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वो किसी आपके पड़ोसी के पास हो सकती है, वो किसी स्टोर के पास हो सकती है, आप किसी स्टोर वाले से बात कर लें, उसके पास जितना भी सामान पड़ा है, इसको एक तरफ से ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। आप ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पोस्ट कर दें, फिर सोशल मीडिया के पेजेस पे उनको फ्री में शेयर करें, या फिर अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो आप बूस्टिंग करके वो एड्स रन कर दें कैंपेन बना करके। उससे ये होगा कि बहुत सारे लोगों तक आपका वो ऐड जाएगा, और जब आपका ऐड जाएगा तो बहुत सारे लोग आपको कॉल करेंगे, आपसे बाय करना चाहेंगे। इसके साथ आप क्या करें, आप किसी भी कुरियर कंपनी, जैसे कि फेडेक्स है, जैसे कि कॉल कुरियर है, जैसे कि DHL है, अगर इंटरनेशनल शिपमेंट करनी है तो आप उनसे मीटिंग कर लें, वरना लोकल के लिए कॉल कुरियर है, लिपर्ड है, इस तरह से और काफ़ी सारी है। आप किसी से भी जाके, किसी के हेड ऑफिस में जाके उनके साथ मीटिंग कर लेंगे, मेरे पास सामान है और मुझे नॉर्मली शिपमेंट करनी पड़ती है। अब पाकिस्तानी जो कि हमारी UPS है, USPA है, UPS है, पाकिस्तान कुरियर कंपनी, आप उनके साथ जो है ना बात कर लें। तो आप जब भी आपको कोई चीज़ बाय करना चाहता है, आप कुरियर के थ्रू उनको वो चीज़ें पहुँचा सकते हैं, जिनको COD भी कहते हैं एक टेक्निकल टर्म में, कैश ऑन डिलीवरी। जैसे ही वो सामान पहुँच जाएगा, उसके बाद वो कुरियर कंपनी आपके बिहाफ पर वो कैश कलेक्ट कर लेगी, एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीक, जो भी उनका एक फाइनेंस सिस्टम है, उसके साथ आपके जो फाइनेंस है उनके पास मैनेज होता रहेगा, और आपका जो कमीशन है वो जनरेट होता रहेगा। जैसे ही आपके पास पैसे आए, तो जिस हिसाब से भी आपने वो सामान लिया था, आप उनको दे दें और आपका कमीशन बन जाएगा। ये आप बेहतरीन तरह से बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक में सिर्फ पेजेस बना के अपने घर का एक पूरा हिस्सा उन्होंने, या फिर एक रूम उन्होंने स्टोर बना दिया है, और फिर वो अपनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, स्टोर्स के थ्रू वो सेल कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, और एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए कस्टमर्स के साथ बात करने की, उनको कन्विंस करने के लिए। इसके बाद जैसे ही आपके पास सेल्स स्टार्ट हो जाएं, आप जो भी चीज़ें आपकी पर्सनल हैं या किसी स्टोर की आप सेल कर रहे हैं, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, जैसे ही आपके कस्टमर्स बनते जाएं, आप उनको ग्रुप में ऐड करते जाएं। जैसे ही आपके पास उससे रिलेवेंट कोई भी नया प्रोडक्ट आए, तो आप उस ग्रुप में ऐड करें, लोग फिर से आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको ऐड ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ 2000 लोगों के चार ग्रुप बना लें, क्योंकि 250 मेंबर्स का एक ग्रुप बनता है ऑलमोस्ट व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप 7-8 ग्रुप्स बना लें और उसमें 2000 लोग जो है डिवाइड कर दें, और हर ग्रुप को कैटेगरी वाइज कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कोई क्लाइंट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद करते हैं, उनके लिए एक ग्रुप बना दें, कोई है जो गाड़ियाँ पसंद करते हैं, उनके लिए एक ग्रुप बना दें, उनको जो है ना आप कैटेगराइज कर दें, और फिर उसके बाद जैसे ही कोई प्रोडक्ट आपके पास हो, आप उसमें ऐड डालते रहें, और फिर दूसरे लोग, अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स है जो गाड़ी बेचना चाहता है, आप उससे पैसे चार्ज करें और अपने उस ग्रुप में उसकी ऐड डलवा दें, और जब वो सेल हो जाए तो उसके ऊपर कमीशन भी चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे और मेथड हैं ऑनलाइन जिससे आप काम कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद बार बार जो मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं टेक्निकल होना ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, पैसे होना ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी, ये सब झूठ है, ये सब बकवास है। मैं बिल्कुल ही एक सादा सा आदमी हूँ, ना मेरे पास कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी, ना मेरे पास कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन थी, ना मेरा कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी सालों से मेहनत करके या इस मुकाम तक पहुँच चुका हूँ कि मैं अपनी फैमिली को और ख़ुद को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ गुजार सकूँ। तो इसलिए ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद है कि आप लोग भी ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है ये सब चीज़ें करने में, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आज ये चीज़ कर रहे हैं तो ज़िंदगी भर आप यही करते रहें। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इस चीज़ को एज अ बिज़नेस कंसिडर नहीं करेंगे, और मैं मानता हूँ ये सर्वाइवल जॉब्स हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है इन्हीं के दौरान आपको बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, लिंक्स बन जाते हैं, आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर ये बिजनेस थोड़ा सा भी करते हैं इस तरह का, और उसके बाद किसी स्टोर वाले के साथ एक अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, वो आपको अपना सारा स्टोर का ऑनर बना देता है, और इन द सेंस कि आप उसको ऑनलाइन सेल करो, तो आप उनकी वेबसाइट बना सकते हैं, उनके प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं, फिर उनकी ब्रांडिंग करके उनके बिहाफ पे आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, फिर आप अपने ऑफिसेज बनाएं, अपने एम्प्लॉयज बढ़ाएं, और वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जब आपके पास पैसे आ जाएं, फिर आप री इन्वेस्ट करें और अपनी चीज़ों को मजीद इम्प्रूव
मुख्तसर सा ये वीडियो था, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा पाया, बट कोशिश मैंने यही की कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। आप सिर्फ गूगल और यूट्यूब को यूज़ करें और उसके ऊपर रिसर्च करें, जितना कुछ जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना टाइम आप दे सकते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।